नमस्कार साथियों, शिक्षा ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत के सभी कॉलेजों से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर है। सभी कॉलेजों में परीक्षा हुआ अगले कक्षा में एडमिशन से जुड़ा बड़ा आदेश, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट खबर सबसे पहले व सबसे तेज। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये नई दिल्ली की न्यूज है जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। प्रस्ताव, प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा प्रोन्नत किए जाएंगे, यानी बिना परीक्षा उनको अगली कक्षा में है वो एडमिशन दिया जाएगा और इसके जल्द है वो आदेश होने की बात सामने आ रही है। यहाँ पे विवरण दिया हुआ है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने पर विचार कर रहा है ताकि अगला सत्र समय से शुरू हो सके। वहीं प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का भी प्रस्ताव है। बेस्ट लेवल कुलपति की मोहर लगने बाकी है। ड्यू में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में इस तरह के सुझाव आए हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय ड्यू के कुलपति को ही लेना होगा, यानी जल्द इस पर निर्णय होगा। और प्रथम और द्वितीय के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में वो प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए आज की खबर है, विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान पत्रिका की है, पेज नंबर 2 की है, अजमेर से खबर है और रविवार 12 अप्रैल 2020 के। देखो, देने पड़ सकते हैं कॉलेज व विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रवेश, यानी प्रवेश अस्थायी आपको देने पड़ेंगे चाहे एग्जाम हो या नहीं हो। 2019-20 की परीक्षाएं और परिणाम में होगी देरी। अजमेर से बड़ी खबर, कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इस बार विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश अस्थायी रूप से देने पड़ेंगे। सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं और परिणाम में विलंब हो रहा है, यानी आपको बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में यहाँ पे आपको जो है एडमिशन दे दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है और प्रोविजनल प्रवेश पर ज़्यादा जोर अभी दिया जा रहा है। और राजस्थान में सिफारिश भी आ रही है कि राजस्थान में यह सिफारिश है कि स्नातक प्रथम और द्वितीय तृतीय वर्ष के मौजूद विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोजन प्रवेश है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही एमए, एमकॉम और एमकॉम प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों को फाइनल में प्रोजन प्रवेश है वो दिया जाएगा, अस्थायी रूप से यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबरें थी जो संपूर्ण राज्यों पर लागू होती है, एक राज्य पर लागू नहीं होगी, होगी तो सभी राज्यों पर इस प्रकार की खबरें लागू होगी। तो इस पर आपको आपका क्या कहना है कि आपको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, आपसे एग्जाम लेने चाहिए, इस पर आपकी राय अवश्य लिखिए।